तो सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम अभी निकल रहे हैं सिद्धि विनायक मुंबई मुंबई पप्पा के पास दर्शन करने के लिए। सुबह हम लोग इसलिए भी निकल रहे हैं क्योंकि हमें पूरा अंदर जाने के मिलता है और बिल्कुल भी भीड़ नहीं रहती है और यहाँ से 1.5 आवर्स लगते हैं, तो लाइक लोकल्स में भीड़ भी नहीं होता है और हमें फिर एग्जाम्स के लिए पढ़ना भी है कॉलेज जाके। सो इसलिए हम लोग 5:30 बजे अभी हम लोग रेडी होंगे और 6 o'clock तक निकल जाएंगे ताकि हम लोग जल्दी पहुंच जाए। सो या गाइस, बहुत मजा आने वाला है। बहुत नींद आ रही थी यार, बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था क्योंकि 30 में मैं सोई हूँ और लग छपका के लिटरली मैं उठ गई, बट कोई बात नहीं, पप्पा के लिए तो सब चलता है यार। सो गाइस, पीछे आप देख रहे हो तो प्यारा व्यू आ रहा है लिटरली यार, ऐसा लग रहा है डेली 5:30 बजे उठना चाहिए। सी गाइस, कितना प्यारा व्यू लग रहा है मुझे लिटरली, ये मेरे विंडो के बाहर से है और इतना प्यारा, एकदम लाइक लिटरली सनराइज हो रहा है ना। सो गाइस, जल्दी से ना नहा धोकर रेडी होके मिलते हैं। सो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी। गाइस, कितना प्यारा मेकअप हुआ है मेरा बहुत ही कम प्रोडक्ट से। सो आप शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हो कि मैं कैसे रेडी हुई हूँ एंड या आई लव इट। बहुत प्यारा सा मैंने लाइक सूट पहना है, मैं आपको बाहर निकल के दिखाती हूँ कि मैंने क्या पहना है। एंड ऑल्सो गाइस, रेडी होते होते देखो पूरी सुबह हो गई है, मेरे फ्रेंड्स मेरा नीचे कर रहे हैं वेट, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। गाइस सी, इतना ज़्यादा सुंदर व्यू है। हॉस्टल से हमने ली ऑटो और ऑटो में जा रहे थे हम लोग स्टेशन, तो स्टेशन हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत पास ही है। बस का वेट कर रहे थे बट बस मिली नहीं, तो हम सोचे बहुत जल्दी था हम लोगों को क्योंकि हमें दर्शन भी बहुत जल्दी करना था, तो हमें वापस भी आना था कॉलेज में, इसीलिए हम लोग ने ऑटो ली और जल्दी से हम पहुँच गए स्टेशन। तो हम अब फाइनली स्टेशन आ गए हैं और यहाँ से हमें पकड़ना था लोकल। तो लोकल हम लोग की सुबह मॉर्निंग में फ्री रहती है, वरना बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है लोकल में। अब हम ले रहे हैं टिकट्स बिकॉज हम लोग 2-3 बार टिकट्स बिना ट्रैवल किए थे और हम लोग पकड़ा गए और बहुत गंदा फाइन कट होता है गाइस। सो इसलिए हमारे यहाँ लोकल्स बहुत सही है, बहुत ही कम प्राइस में होता है, लिटरली 5, 10, 20 रुपीज़ में आपको पूरा लोकल्स प्रोवाइड हो जाता है। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी जब भी आप मुंबई आओ तो लोकल से ट्रैवल करना, बहुत मज़ा आता है लोकल से ट्रैवल करना, बस थोड़ी भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। सो हम अब यहाँ पे लोकल्स का वेट कर रहे थे क्योंकि हम लोग से 2 मिनट पहले ही एक लोकल निकल गई दादर के लिए और हम यहाँ से अब जाएंगे दादर, वहाँ से सिद्धिविनायक बहुत पास है। सो फाइनली लोकल्स आ गई थी और हम सब आराम से बैठ रहे थे। ये भीड़ नहीं है गाइस, लिटरली इससे बहुत 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 ज़्यादा भीड़ रहती है, एक पैर रखने का भी जगह नहीं होता है। और ये है मेरे कुछ फ्रेंड्स, सो लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट। ये वाइट कुर्ता वाला है अविरल और ये ग्रीन टी शर्ट वाला है अर्चित, तो दोनों ही पूरे कार्टून हैं। और ये है गाइस सच में वाशी, हम लोग जब भी ये ट्रेन पकड़ते हैं ना CST के लिए या फिर दादर के लिए तो वाशी बीच में पड़ता है, बहुत सुंदर समंदर रहता है, आप देखिए बहुत प्यारा सा व्यू आता है। सो हमेशा मैं ना विंडो के साइड बैठती हूँ ताकि मुझे बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है, बहुत अच्छा सा व्यू आता है। और सुबह मॉर्निंग बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में हम लोग गए थे, तो बहुत ज़्यादा मॉर्निंग क्या होता है मॉर्निंग में गए थे तो हमें बिल्कुल धूप भी नहीं था। और सी गाइस, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है क्योंकि सब लोग अपने जॉब्स के लिए जाते हैं ना, तो सब लोग चाहते हैं कि हम जल्दी निकल जाएं ताकि उनको भीड़ कम रहे, तो ये भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम भीड़ है। फाइनली हम लोग दादर पहुंच गए थे और गाइज मैं आपको पहले ही बता दूं कि दादर ना बहुत बहुत सुंदर है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है इनके फ्लावर मार्केट के वजह से और यहाँ पे लाइक वेजिटेबल मार्केट्स भी लगते हैं। सो ये जो इलाका है यहाँ पे वेजिटेबल मार्केट्स लग रहे थे, बहुत प्यारे प्यारे गजरा और हर तरीके के आपको फ्लावर मिल जाते हैं, बहुत प्यारे प्यारे बुके भी मिलते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा फेमस है वेजिटेबल मार्केट के लिए भी और फ्लावर मार्केट के लिए भी। सो
सो गाइस ये है लाइन बस के लिए. सो ये एक बस के लिए लाइन नहीं है, बहुत लंबी लाइन थी. सो बैक टू बैक दो बस आ जाती हैं या फिर तीन बस आ जाती है कभी कभी. तो हम लोग लाइन पे लगे थे. बहुत लेस एक्सपेंस हो जाता है बस या फिर लोकल पकड़ने से. और बस ऐसी वैसी बस नहीं होती है, लिटरली बहुत एसी रहता है बस में. सो बहुत आराम से हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं. और सी गाइस कितना फ्रेश फ्लावर यहाँ पे मिलता है. और लिटरली देखो मैंने आपको कहा था ना बैक टू बैक बसेस आ जाती हैं. सो ये 100% इलेक्ट्रिक बस है एंड इनके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं. लिटरली हमें दादर स्टेशन से सिद्धिविनायक तक का 9 रुपीज़ लगा था और प्लस हमें एसी मिल रहा है. बहुत आराम से हम लोग बैठ कर चले गए थे. बस ना हमें बस 2 मिनट से पहले सिद्धिविनायक के छोड़ देती है और हमें यहाँ से वॉक करके जाना होता है. बहुत ही पास में रहता है. लिटरली हमें बस सीधा 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 चलना है एंड लिटरली आपको सिद्धिविनायक का ना बैक गेट से आपको रास्ता मिल जाता है. सो हम लोग हमेशा बैक गेट से जाते हैं क्योंकि फ्रंट गेट में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है. सो हमेशा हम लोग बैक गेट प्रिफर करते हैं और यहाँ से आराम से हम लोग सीधा सीधा जा सकते हैं. वॉकिंग एरिया पे है. गाइस हम लोग आ गए लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी. हमें बिल्कुल नहीं मालूम था कि आज महाराष्ट्र डे है और तो और आज लेबर डे भी है. तो बिल्कुल भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पूछो मत. बट हम लोग अब ऐसे तो नहीं जा सकते थे तो हम लोग गणपति बप्पा मोरया बोलकर लाइन पे लग गए थे. थोड़ा सा प्रसाद लिया उनके लिए और फिर हम लाइन पे लग गए. गाइस अंदर रिकॉर्ड करना बिल्कुल मना है इसलिए मैंने छोटी सी क्लिप आप लोगों के लिए लगा दी है. सच बोलूं गाइस सिद्धिविनायक आके ना बहुत ही अच्छा लगता है. मन बहुत हल्का हो जाता है क्योंकि अभी हमारे एग्ज़ाम्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा था हम पे. तो हमने डिसाइड किया था कि एग्ज़ाम से पहले हमें सिद्धिविनायक चाहे कुछ भी हो जाए जाना ही है. और लिटरली हमारे 2 दिन बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और इतना ज़्यादा हमारा मन हल्का हो गया था ना, इतना अच्छा लग रहा था. अब तो पूरा विश्वास था कि हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है. और गाइस हम लोग ना यहाँ से लिटरली अविरल ने ना पता नहीं कहाँ से इंस्टाग्राम पे देखा और अर्जित ने भी पता नहीं कहाँ से देखा इंस्टाग्राम पे यहाँ पे फेमस समोसा वाला है जो कि सिंस 1850 समथिंग का है बट बहुत बहुत टेस्टी है ऐसा उन्होंने बताया. मैंने उनसे पूछा था कि बहुत दूर तो नहीं है और वो लोगों ने कहा कि बस पास में ही है. और हम लोग लिटरली चलते जा रहे हैं और आ ही नहीं रहा है वो जगह. और यहाँ पे इस पॉइंट में आके हम लोग इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए थे. तो हमने किसी से पूछा और उन्होंने हमें गलत रास्ता बता दिया था लिटरली. बट हम लोग उस पे नहीं गए, हम लोग ने किसी और से क्रॉस कर लिया था तो हमें सीधा रास्ता मिल गया. मैंने ना इन लोगों को पहले ही बोल दिया था कि अगर टेस्टी नहीं हुआ ना तो मैं तुम लोगों का जान ले लूँगी. लिटरली बहुत ज़्यादा चला के लेकर आए थे इन लोगों ने और पैदल चला रहे थे. सो लिटरली गाइज ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था. आप दुकान दी बहुत ज़्यादा और बहुत सब कुछ यहाँ पे वैरायटी ऑफ आइटम्स थे जो कि हैंडमेड थे सब कुछ एंड बहुत टेस्टी भी थे. तो हम सब ने ना समोसा ट्राई किया था. इतना ज़्यादा टेस्टी समोसा था, मैंने अपने पूरे लाइफ में नहीं खाया था. बहुत टेस्टी था और इसके साथ जो चटनी था ना स्पेशली वो बहुत टेस्टी था. हमने ये सब इन्जॉय किया और पार्सल भी ले लिया था घर के लिए. और फिर हम यहाँ पे मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे. थोड़ा बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं थी, बहुत ज़्यादा हम थक गए थे और प्लस हमें जल्दी से जाना था कॉलेज क्योंकि फिर लोकल्स में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है. इसलिए हम लोग बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ कर रहे थे. तो थोड़ा सा मेरे लिए बस ये लोग एक्सप्लोर कर लिए, थोड़ा सा मार्केट. सब कुछ के बाद, पापा के अच्छे से दर्शन होने के बाद,
टेस्टी से टेस्टी समोसा खाने के बाद और मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद हम जा रहे थे वापस अपने हॉस्टल और वहाँ से जाएंगे हम कॉलेज। सो फाइनली हम लोग अभी स्टेशन पे हैं और अभी भीड़ नहीं है, तो हम आराम से बैठ कर जा सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ से 1.5 आवर्स लगते हैं, क्योंकि कभी कभी भीड़ होती है ना तो हम लोग को खड़े खड़े लिटरली इतने टाइम तक पूरे जाना पड़ता है, बैठने का बिल्कुल भी जगह नहीं मिलता। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा और लाइक कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर।